गदर टू ने मिला दिया पिछड़ा हुआ देओल परिवार, इमोशनल हो गए धर्मपाजी। इंस्टाग्राम पर शेयर की ऐसी स्टोरी, जनता का उमड़ पड़ा प्यार। पूरे परिवार में बटने लगी मिठाई, चारों तरफ खुशियां छाई। सालों से जिसके लिए तड़पते रहे धर्मेंद्र, सनी देओल ने वो सपना कर दिया पूरा। चौथे दिन सिनेमा घरों में सुनामी लेकर आई गदर टू। दोपहर होते ही टूट गए रिकॉर्ड, 200 करोड़ का आंकड़ा पार। 24 घंटे सिनेमा घरों में चल रहे शो। सनी पाजी की फिल्म गदर टू ने चारों तरफ अब गदर मचा दिया है। गदर को देखने के लिए सिनेमा घरों में सुनामी आ गई है। गदर ने कमाई के मामले में बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। पूरे देश में संडे की छुट्टी में गदर का डंका बजा और कमाई का आंकड़ा 150 करोड़ तक पहुँच गया। फिल्म धमाल मचाएगी इसकी उम्मीद तो पहले से ही थी, लेकिन ऐसा धमाल मचाएगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। फिल्म की बम्पर ओपनिंग के बीच देओल परिवार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के लिए दर्शक आज तक बेकरार रहे। इतना ही नहीं, जिसके लिए धर्मेंद्र सालों से तड़पते रहे वो सपना सनी पाजी ने पूरा कर दिया है। दरअसल पहली बार धर्मेंद्र के दोनों बेटे और दोनों बेटियां एक साथ मंच पर दिखी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के दो बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहना देओल। आपसी अनबन की वजह से पूरा परिवार अलग अलग रहता है। धर्मेंद्र के साथ उनकी पत्नी प्रकाश कौर और दोनों बेटे रहते हैं, तो वही दोनों बेटियां ईशा देओल और आहान देओल अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ रहती हैं। हाल ही में सनी देओल के बेटे करण देओल की भी शादी हुई थी, जिसमें आधा अधूरा परिवार ही पहुंचा था। हेमा मालिनी का परिवार इस शादी से नदारद नजर आया, लेकिन गदर टू ने अब पूरे परिवार को मिला दिया है, जिसको देखकर धर्मेंद्र खुशी से रो पड़े और इंस्टाग्राम पर ऐसी स्टोरी शेयर की कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल ईशा देओल अपने सौतेले भाई सनी देओल और बॉबी देओल के साथ एक खास रिश्ता शेयर करती है। फिल्मों में आने से पहले भी ईशा ने अपने बड़े भाई सनी देओल के लिए अपने प्यार के बारे में बता दिया था। हालांकि भाई बहन ने कभी भी मीडिया के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, फिर भी पहली बार उन्हें एक साथ देखा गया जब ईशा ने अपने भाई सनी देओल की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गदर 2 की स्क्रीनिंग की मेजबानी की। ईशा देओल ने अपने भाई सनी की फिल्म गदर 2 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग अपने घर पर रखी। सनी देओल और बॉबी देओल ने यहां पहुंचकर फंक्शन की शोभा बढ़ाई। ये पहली बार था जब हमने धर्मेंद्र के बच्चों को एक साथ कैमरे के लिए पोज देते देखा। सनी और बॉबी ने अपनी बहन ईशा को प्यार से गले लगाया। बाद में आहना और उनका बेटा भी इस तिकड़ी में शामिल हो गए। एक फैन पेज ने वीडियो शेयर किया और उसके बाद धर्मेंद्र ने इसे अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पुराने गाने बहना का अभिमान है तो के साथ इसे शेयर किया। इसे शेयर करते हुए धर्मेंद्र इमोशनल हो गए। जिसने भी धर्मेंद्र की स्टोरी देखी वो भी इमोशनल हो गया। धर्मेंद्र जिंदगी भर ये चाहते थे कि उनके बच्चे एक साथ प्यार से रहें, लेकिन वो इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। गदर 2 की वजह से अब ये सपना भी पूरा हो गया। देओल परिवार में अब खुशियां मनाई जा रही हैं और मिठाई बांटी जा रही है। आपको बता दें कि गदर 2 ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है। कई जगहों पर तो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक भी गदर के शो चल रहे हैं। संडे को तो गदर का डंका बज ही रहा है, साथ साथ सोमवार को भी सिनेमा घरों में गदर 2 के लिए सुनामी आ गई। गदर 2 लगभग अब तक 150 करोड़ के आसपास कमा चुकी है और सोमवार को यह आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। गदर 2 ने अब कमाई के मामले में पठान और केजीएफ 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। लोग ट्रैक्टरों से सिनेमा घर पहुंच रहे हैं। 15 अगस्त को उम्मीद की जा रही है कि गदर 2 बहुत बड़ा इतिहास मनाएगी, क्योंकि 15 अगस्त वाले दिन गदर को बहुत तगड़ी एडवांस बुकिंग मिलने की उम्मीद है। ऐसे में ऐसा ही क्रेज चलता रहा तो फिल्म 1000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JW24।